दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा आप अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास फ्लिपकार्ट पे लेटर में कुछ पैसा मिला है, उस पैसों को दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है और दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर कैसे एक्टिवेट करना है, फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में बताएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो के कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर एक लोन की तरह है, जो कि दोस्तों आपको पैसा दिए जाते हैं। दोस्तों उस पैसे से दोस्तों आप किसी भी प्रकार का सामान खरीद सकते हैं और दोस्तों आपको यहां पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। दोस्तों जितना आपको पैसा मिलता है उतना ही दोस्तों यहां पर रीपेमेंट करना होता है। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ता है, साथ में बैंक अकाउंट भी लगता है। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट कैसे करना है यहाँ पर आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहेंगे अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक न्यू पेज खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहेंगे काफी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर। दोस्तों फर्स्ट बार में आएंगे तो दोस्तों यहां पर एक्टिवेट करने के लिए लिखेगा। यहां पर एक्टिवेट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको आधार कार्ड और यहां पर पैन कार्ड नंबर, बैंक पासबुक का डिटेल डालना है और यहां पर फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों 5 से 10 सेकेंड के अंदर यहाँ पर क्रेडिट लिमिट शो करेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पास अवेलेबल क्रेडिट 470 रुपया है। मेरे पास टोटल दोस्तों 1000 रुपया मिला था, जो कि दोस्तों यहाँ पर कुछ सामान बाई कर चुके हैं। दोस्तों जो पैसा आपको बचा हुआ है या फिर दोस्तों जो आपका क्रेडिट लिमिट मिलेगा, उस पैसे को निकालने के लिए यहां पर आपको किसी भी प्रकार का डायरेक्ट यहां पर पैसा निकालने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देंगे और यहां पर निकालने के लिए भी बताएंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख लेते हो तो दोस्तों 100% है कि दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा निकाल पाएंगे। कैसे निकालना है आगे पता हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप समझ चुके होंगे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट कैसे करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा कैसे निकालना है। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा निकालने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहां एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस एप्लीकेशन के मदद से आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है। खरीदने के साथ साथ दोस्तों जो आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर में पैसा मिला है वो पैसा आपको निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे माई बैंक अकाउंट, दोस्तों जो आपका बैंक है यहाँ पर आप अपना बैंक का डिटेल डाल लेंगे। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे अर्निंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल डिपॉजिट। दोस्तों यहाँ जैसे ही दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर के पैसा से सामान बाई करेंगे, यहाँ पर जो आपका टोटल डिपॉजिट है यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे विड्रो नाउ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो आप बैंक अकाउंट ऐड किए हैं उसी बैंक अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको सामान खरीदना होगा। सामान खरीदने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। जो प्रोडक्ट यहाँ पर दोस्तों आप खरीदना चाहते हैं यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किस एड्रेस पर यहाँ पर मंगवाना चाहते हैं यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जब भी आपको पेमेंट करना है फ्लिपकार्ट पे लेटर के द्वारा, दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो आपका दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर में पैसा है
है वो पैसा दोस्तों आपको कट जाएगा और सामान भी बाई हो जाएगा। दोस्तों जो आपका डिपॉजिट के अंदर दिखाए थे वहां पर आपको पैसा ऐड हो जाएगा, और पैसा ऐड होने के बाद दोस्तों यहां पर विड्रो नाउ के ऊपर क्लिक करना है। और यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 72 घंटा कुछ इस तरह से लिख कर आ रहा है, जो आप बैंक अकाउंट ऐड किए हैं उसी बैंक अकाउंट में 72 घंटे के अंदर पैसों को भेज दिए जाते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।